साथ आप लोग विधायक जी का लगता है इंटरव्यू नहीं देखे हैं। आप लोग जो है पहले विधायक का इंटरव्यू देखिए कि मामला क्या है। बीजेपी के लोग जो है गुंडा गर्दी पर उतर आए। कल हम आरा गए हुए थे, वहाँ जो प्रचार गाड़ी को तोड़ फोड़ दिया गया, वहाँ जो प्रचार गाड़ी में जो लोग बैठे थे जो दलित समाज के थे उनको चाकू आँकू भोंका गया। और लगातार जो है पूरी तरीके से खूनी खेल पे बीजेपी उतर आई है। अब जनता कितना सहन करेगी? जनता अगर और थोड़ा ये लोग गुंडागर्दी करेंगे तो बीजेपी के जितने गुंडे हैं, जितने गुंडे नेता हैं, सड़कों पर बाप बाप करते फिरेंगे। इनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। इन लोगों को अल्टीमेट वार्निंग हम दे रहे हैं, अगर कुछ और हल्का सा भी अगर हिंसक होंगे तो जनता जवाब देगी, इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते हैं। लेकिन हम लोग भाईचारे में विश्वास करते हैं, अमन चैन में विश्वास रखते हैं। एक विधायक को बंधक बना लेना, उसको मारना पीटना, अब प्रशासन जो है मौन बैठी है और कहीं समाचारों में कुछ नहीं। अमित शाह माफ़ी मांगा क्या? इसीलिए आप बैठ करके यहाँ गुंडागर्दी करवा रहे हैं क्या? यहाँ बैठ करके जो गुजरात में तांडव करवाए थे, ये बिहार की धरती है, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा देगी। अमित शाह ज़्यादा नौटंकी ना करवाएं और अपने बीजेपी के गुंडों को निर्देश दें कि शांति से बैठे रहिए। हल्का और गुंडागर्दी होगा तो अंजाम बुरा होगा। आप दोनों भाई आज निकले हैं साथ में, ये लगता है कि छठे चरण में आप के बाद सातवें चरण में दोनों भाई साथ में हैं। आप लोगों को बहुत शक है, शक की बीमारी है तो डॉक्टर साहब का हम नंबर दे देंगे।